लिख रही हूँ, हरम ज्यादा कहीं का लिख रहा हूँ। रुको रुको, हाँ ये क्या हो गया? हमरा ये बैंक खुली गले तवा इतना ढीला पहनता है, क्या करेंगे? चल बानो का, हाँ बांध लिया, हाँ बांध ले लिया है, तब की कर। ठीक है मंत्री जी, हाँ चलिए। मैं बीमावती बोल रही हूँ कल्याण नगर से। मैं बीमावती बोल रही हूँ कल्याण नगर से। तुम्हारे लिए कोई खत लिखी हूँ। हाँ बोलिए। खत में ये लिखी हूँ जी कि एक जोगी फकीर आया है मेरे दरवाजे पे जी, वो बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ, मैं तुम मेरी बहन हो जी, और मैं उस जोगी फकीर को मैं भारी से भारी सजा दी हूँ जी, लेकिन वो हरामजादा मरता नहीं है। जहरे खिले वो, यहाँ तक कि उसके शरीर में मैं कील ठोक भी दी जी, लेकिन वो मरता नहीं है। माँ आकर जरा देख लो वो कौन है, पहचान करो। ठीक है आप जाइए, हम सारा स्टोरी लिख लिए हैं। लिख लिया है? हाँ मैं जा रही हूँ, जाइए। जल्दी कल्याण नगर से जाएंगे गुजरात, नगर गुजरात। बाप तीन दिना के रास्ता छे हो बाबू, चूरा तुरा पहन लेवे की करवे तब। ठीक है मंत्री जी जाओ, और मैं अपने माल में जाकर आराम कर रही हूँ। ठीक है जाइए, जाइए, बाय, प्रणाम बाबू। सही में हथियार चला दिल के काटी दिल के बाबू है, छर छर बेचारा के लहू बहे। हाँ ठीक है, तो आइए हम चल रहे हैं यहाँ से अनिगुड़ी माता के पास में। आया जो दीना चल
और यहीं से हम आवाज लगाते हैं इस दरबार में अगर कोई भी होगा मेरा आवाज सुनेगा तो अवश्य आएगा। आ इस दरबार में कोई है? कौन बोल रहा है? देखिए हम कालिया नगर से आए हैं कोई खुशखबरी लेके। किससे बात करना है? हमें बूढ़ी माता से बात करना है। ठीक है। माता है गे गे भैया अगे या 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 बाप रे बाप हे भगवान। हाँ तब सुतन सिंह जी के थे। क्या बात है बेटा? भैया देख तोरा लिए एक ठो चिट्ठी लाने छिए गे। चिट्ठी लाए? आगे कौन सा चिट्ठी है बेटा? ए देखि ले हाथ है मैं सीधे सीधे मैं पढ़ी सुना दे छिए। यहां का कुशल कलिया नगर के कुशल सब ठीक है? माता जी तुम सबसे पहले ये बताओ कि मेरा भाई जो गोपीचंद था राजा गोपीचंद क्या इस समय में वो जोगी फकीर बन गया है? इतने नहीं मैया उसको बहुत तरह तरह का क्या इधर आओ माता इधर आओ उधर मत रहो सामने में इसमें बैटिंग नहीं है तो दूसरा माइक दीजिए। बैटिंग नहीं है तो बैटिंग नहीं है दूसरा माइक दीजिए। हेलो हेलो दीजिए उधर तो आया जो दिन सबसे पहले ये बताओ जो तुम्हारा पुत्र था राजा गोपीचंद क्या सचमुच में वो जोगी फकीर बन गया है? हाँ पुत्र वो सच में जोगी फकीर बन के वो कालिया नगर अपने बाल से भिक्षा लेने के लिए गई है। हे भगवान माता कालिया नगर जो गया है यहाँ से बबुआ गोपीचंद उसको बहन बिरमा ने तरह तरह का कितना गंजन दे रहा है। इतना नहीं माता उसके सीना पे 80 मुन का उखरी और चूड़ा कुटा है। माता क्या बताएंगे इतना नहीं 80 मुन का चाक धर के उसके ऊपर दाल धर रहा है। और माता पूरा शरीर में उसे कील ठोक के और नमक घस दिया है। माता बचा ले मैया मेरे पुत्र के साथ ऐसा सलूक किया है। हाँ माँ पुत्र देखते क्या हो शीघ्र चलो मैं अपने पुत्र से मिलने के लिए चाहूंगी। ठीक है माता चलो हमारे साथ देखो बिरमा बहन का करतूत चला बा।